हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ स्टीम फेशियल। हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ, और ये स्टीम फेशियल बहुत ही अच्छा है। आप मेरे फेस पर ग्लो देख रहे हो, मतलब ब्राइटनेस देख रहे हो ना, तो ये उसी का कमाल है। मैंने कुछ भी इस तरह का कुछ भी नहीं अप्लाई किया है जो कि मेरे फेस पर कुछ अलग सा लगे। तो मैंने सिर्फ वही चीज़ें यूज़ की है जो मैं डेली यूज़ में करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये बहुत ही अच्छा फेशियल तो है ही, और बहुत ही बढ़िया आपको वर्क करेगा आपके फेस पर। और आप देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाया है ब्लू हेवन का, और मैंने सिर्फ यहाँ पर अपने आई शेडो लगाया है। और मैं जो लगाती हूँ रोज़, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि मैं ज़्यादा कुछ भी अप्लाई नहीं करती अपने फेस पर। और ये इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है ये फेशियल, और बहुत ही बढ़िया ये फेशियल है। सिर्फ आपको अगर आप जैसे कहीं भी जाना है, आपको जैसे आपको किसी इंस्टेंटली आपको पता नहीं है कि किसी पार्टी में आपको जाना था और आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप इतना समय दे पाएँ, मतलब जल्दी जल्दी तैयार होना है, तो आप क्या कीजिए कि 15 मिनट्स तो आपको सिर्फ इस फेशियल में लगेंगे। सिर्फ 15 मिनट्स और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 स्टेप हैं, और 2 स्टेप में ही आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे मेरे फेस पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का कुछ भी दाग धब्बा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और बस मेरे फेस पर सिर्फ ये मतलब एक दाना हो गया था तो उसी का ही है वो, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी हो जाता है, ऐसा अपने ऊपर नहीं होता है ये सारी चीज़ें, कभी कभी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए, और ये फेशियल बहुत ही अच्छा है। अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और मैं चाहती हूँ इसमें मुझे भर भर कर लाइक मिले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये फेशियल कैसा लग रहा है। सिर्फ आपको कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ आपको स्टीम करनी है और आपको फेस पैक लगाना है, और ये बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट देगा, इंस्टेंट रिजल्ट देगा। 15 मिनट्स में आप देखेंगे कमाल इसका। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। लेकिन सबसे पहले, आप सब जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है, आप जा रहे हैं कहीं तो आप चाहते हैं कि ये फेशियल आपको करना चाहिए, थोड़ा मतलब आप सोच रहे हैं कि आपके लिए बेनिफिट देगा, तो अब प्लीज़ आप ये फेशियल ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए आप एक लाइक दे दीजिए, और फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरा वीडियो। और जो लोग नए आए हैं, मेरे वीडियो नया देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन होता है तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और सब्सक्राइब के पास ही बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा, तो आपके पास नया वीडियो का जैसे ही मैं अपलोड करूँगी तो आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से देख लीजिए कि मैंने कैसे बनाया है और कैसे इस्तेमाल किया है ये फेशियल, किस तरह किया जाता है। और देख लीजिएगा मेरा फेस पहले कैसा है, मतलब स्टीम लेने से पहले जब शुरू किया है मैंने तब कैसा है, और बाद में कैसा रिजल्ट मिला है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपके साथ स्टीम फेशियल में करने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टीम फेशियल। तो सबसे पहले मैं एक पतीले में स्टीम के लिए वाटर ले रही हूँ, एक गर्म पानी मैंने ले लिया है इसमें, बहुत मतलब जो मैं मुझे सहन हो सकता है मैं उतना ही ले रही हूँ अपने फेस के लिए, अकॉर्डिंग लूँगी। और मैं इसमें एक एसेंशियल ऑयल डालूँगी, और अगर आपके पास ये एसेंशियल ऑयल नहीं है, ये वाला एसेंशियल ऑयल, कोई भी एसेंशियल ऑयल आपके पास नहीं है, तो आप स्वीट बादाम ऑयल भी डाल सकते हो, स्वीट आलमंड ऑयल, या फिर आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, मतलब कि ये बहुत ही अच्छे ऑयल होते हैं, तो ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसलिए तो मैं स्टीम बहुत अच्छे से ले लूँगी। देखिए, अभी भी मेरे फेस तो अच्छा ग्लो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें डाल दूँगी, बस इतना ही काफ़ी है। और मैं अब इसमें स्टीम ले लूँगी अपने फेस पर, और मैं एक टॉवल ले रही हूँ, टॉवल से अपने फेस को कवर कर लूँगी और मैं स्टीम ले लूँगी।
आपसे आपको 5 से 10 मिनट्स तक स्टीम लेनी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही स्टीम लेनी है जैसे मैं स्टीम ले रही थी, और अभी मैं स्टीम लूँगी क्योंकि मुझे 10 मिनट्स तक लेनी है स्टीम। तो मैं 10 मिनट्स तक लेकर अभी आती हूँ, आपसे मिलूँगी। जब मेरे 10 मिनट्स मैं स्टीम ले लूँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी अभी। तो मैं स्टीम लेकर अभी आती हूँ तुरंत। तो फ्रेंड्स मैंने स्टीम ले ली है, आप खुद भी देख सकते हो मेरा फेस, और मैंने 5 से 8 मिनट्स तक स्टीम ली है। अगर आप चाहें तो 10 मिनट्स तक ले सकते हो, और ये आपके ऊपर है कि आप कैसे स्टीम लेना चाहते हो, कितनी देर तक स्टीम लेना चाहते हो। तो मैंने स्टीम ले ली है और मेरा फेस बहुत ही क्लीन था। मैंने फेस वॉश करके ही, जब भी आप स्टीम लेंगे ना तो फेस वॉश करके ही लेना है आपको, ऐसे ही मत ले लीजिएगा। और एकदम ओपन पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो अब ये बहुत ही झटपट सा और इजी वे में होने वाला है ये फेशियल, तो बहुत ही अच्छा है ये, इफ़ेक्टिव बहुत अच्छा देता है फ्रेंड्स। तो चलिए बना लेते हैं फेस पैक, कि इसको बनाना कैसे है मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स स्टीम लेने के बाद मैं फेस पैक बना रही हूँ, और मैं आपको वैसे नहीं दिखा सकती पास से, क्योंकि मेरा जो ट्राईपॉड था वो टूट गया है और मैं दूसरे से शूटिंग कर रही हूँ। तो ये भी मैं सिर्फ सेल्फी स्टिक जो आती है उससे मैं शूट कर रही हूँ अभी ये वाला वीडियो। तो मैंने अभी मैंने ले लिया है मुल्तानी मिट्टी, एक एक, एक वन स्पून होगा ये। तो मैं मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ, फुल अर्थ ये ले रही हूँ मैं, और मैं लूँगी इसमें थोड़ा सा बेसन ले रही हूँ मैं, इतना बेसन लूँगी, हाफ स्पून है, बस अपने फेस के अकॉर्डिंग लेना है आपको और क्या है। और मैं ले लूँगी ब्रू का आधा, वन हाफ स्पून लूँगी मैं ब्रू का, मतलब ये जो कॉफ़ी है मैं इसको हाफ स्पून ले लूँगी। और कॉफ़ी तो बहुत ही अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए, आपकी स्किन अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें कैफीन होता है तो आपकी स्किन में अगर अगर वो डल हो रही है, अगर आपकी स्किन में लाइंस पड़ रही हैं, मतलब रिंकल्स आ रहे हैं आपको, तो उसके लिए भी अच्छा है। और जो मैंने बेसन लिया है उससे आपकी जो ओपन पोर्स हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे अच्छे से, अभी भी क्लीन तो हैं लेकिन और अच्छे से डीपली क्लीन होंगे। और जो मुल्तानी मिट्टी है तो जो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो उसके लिए वर्क करेगी। तो मैं ये ब्रू कॉफ़ी ले लूँगी, इतना ले रही हूँ मैं, हाफ स्पून है ये। और मैं अब ले लूँगी ये 2 एसेंशियल ऑयल्स हैं मेरे पास रखे हुए थे तो मैं इसको ले रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कीजिए कि आप वो ले सकते हैं, जैसे कि आप कर्ड ले सकते हो, या फिर आप मतलब रोज़ वाटर बना सकते हैं, या फिर मतलब आप जो भी वेरिएशन आप चाहते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई कैप्सूल आता है वो ले सकते हैं, तो ये सब ले सकते हो आप अगर आपके पास नहीं। और ये बहुत ही अच्छे होते हैं फ्रेंड्स, तो ये आप लोग को ज़रूर ख़रीद लेने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं ऑरेंज एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ, ये मेरी जो रिंकल्स हैं वो नहीं होंगे इससे, फाइन लाइंस, और मैं ग्लो चाहती हूँ अपने फेस पर, तो मैं 2 ड्रॉप्स इसके ले लूँगी। ये निकल नहीं रहा था, अब ये निकल गया है, जैसे ज़्यादा नहीं डाला है मैंने, 2 ड्रॉप्स ही डाला है। और ले रही हूँ मैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, ये भी डाल रही हूँ मैं, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल है ये। ये भी आपकी स्किन पर बहुत अच्छा वर्क करता है और ये बहुत ही अच्छा आता है। आप पर्पल पर जाएंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे रहते हैं ये एसेंशियल ऑयल्स।
तो आपको चाहे समर हो या फिर विंटर हो या फिर रेनी सीजन हो, मतलब कोई भी सीजन हो, आपको ये ज़रूर यूज़ करने चाहिए। और मैं ले रही हूँ घर का बना ही, मैंने जो बनाया था रोज़ वाटर, मैं इसको ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी, तो मैं रोज़ वाटर भी ले ले रही हूँ। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग हर चीज़ ले लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। लम्स नहीं रहने चाहिए, जैसे कॉफ़ी के लम्स या फिर जो बेसन मैंने लिया है उसके, या फिर आपने मुल्तानी मिट्टी ली है उसका, किसी का भी लम्स नहीं रहना चाहिए। अच्छी स्मूथ पेस्ट बननी चाहिए, तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा बट बन जाएगा बहुत जल्दी। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है, अब मैं इसको लगाने जा रही हूँ। देखिए कितना स्मूथ पेस्ट बना है ये, मतलब इतना रनिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं होनी चाहिए कि मतलब गिरे और या फिर आपको कोई प्रॉब्लम आए लगाने में। तो ये 10 मिनट्स तक आपको लगाना है, कितनी जल्दी झटपट ये फेशियल हो जाता है, बस 15 मिनट्स चाहिए आपको। और आप कहीं के लिए भी, जहां आपको जैसे पार्टी वगैरह में जाना है या फिर आप किसी डेट पर जा रही हैं या फिर कोई भी मतलब एनी कोई भी पार्टी है आपके घर में है या कहीं जाना है, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फेशियल है। तो आप एक बार इस फेशियल को ज़रूर करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपको लगा लेना है अच्छे से अपने फेस पर। मैं आपसे लगाने के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने ये फेस पर अप्लाई कर लिया है अच्छे से, और अब मैं इसको 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और 10 मिनट्स बाद मैं आपसे मिलती हूँ जब ये थोड़ा सूख जाएगा। मैंने थोड़ा मोटी लेयर ही लगा रखी है, थिक लेयर लगाई है, आप भी थिक लेयर ही लगाएं तो आपका जो जो मैंने एसेंशियल ऑयल डाले हैं ना, तो वो आपकी स्किन पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे, अच्छा सा ग्लो आएगा। आप इसको देख लीजिएगा जब मैं आपको बाद में तैयार होकर या फिर अभी मैं फेस वॉश करके मिलूँगी ना आपको, तब आप देखिएगा मेरे फेस पर ग्लो, और आपको पता खुद चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा फेशियल बताया है आपको। आप इस ये फेशियल ज़रूर कीजिएगा, और एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मैं आपसे 10 मिनट्स बाद मिलती हूँ, 10 मिनट्स बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है, मैं अब फेस को वॉश करने जा रही हूँ। देखिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो मेरा फेस एकदम ड्राई हो गया है और अच्छा हो गया, टाइटन अप हो गया है। तो मैं आपसे धुलने के बाद मिलती हूँ। मैंने पूरे फेस में लगा रखी है ये पैक, पूरे फेस में लगा रखा है, लेकिन क्या जहाँ जहाँ सूख गया है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन लगा अच्छे से था मेरे फेस पर। तो मैं आपसे मिलती हूँ धुलने के बाद। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मेरा फेस कितना रिफ्रेश लग रहा है, एकदम कितनी शाइनिंग आ गई है, देख लीजिए आप खुद भी महसूस कर सकते हो कि मेरा फेस कितना अच्छा लग रहा है। तो ये फेशियल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, तो मैंने ये फेशियल बहुत ही उससे एफर्ट डाल के किया है कि मतलब इंस्टेंट रिजल्ट आता है इससे, देख लीजिए आप। और आप जब आप मेकअप करेंगे अच्छे से, फ्लॉलेस मेकअप करेंगे, जब फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे, और मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट भी हो गई है, तो बहुत ही अच्छा फेशियल है। आप इस फेशियल को ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया है कि कैसा मैंने, कितनी जल्दी फटाफट से हो जाता है ना, कुछ भी नहीं अप्लाई करना है। जैसे आप लोग के पास अगर कोई एसेंशियल ऑयल नहीं है आपके पास, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया भी है कि आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो,
बहुत ही अच्छा होता है। या फिर आप कोकोनट भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो। नहीं तो आप मतलब जैसे विटामिन ई का कैप्सूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे वेरिएशन है, इसे आप करिए इस सारी चीज़ों को। और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बॉक्स में कि आपको मेरा ये फेशियल कैसा लगा। भर भर कर प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं। तो मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है। लेकिन जब कोई हाँ अगर एक भी मेरे पास कमेंट आता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ कोई मेरे वीडियो को अच्छा तो कह रहा है। तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही मुझे ये कहना है कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें, मतलब मेरे और भी वीडियोस बहुत ही अच्छे अच्छे आने वाले हैं। तो थोड़ा सा कुछ सपोर्ट में लेना, जब जब कोई बहुत मेहनत करता है तो कुछ सपोर्ट भी चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। घर वालों का सपोर्ट तो रहता ही है, लेकिन जहाँ ये जा रहा है, जो लोग सब लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर मैं अपने वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का मिल जाए। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो आप देखते ही रहते हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो भी देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है आपको और आप कहीं जाने वाले हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो ये फेशियल ज़रूर कीजिएगा। और ये फेशियल करने में सिर्फ आपको 15 मिनट्स ही लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट्स। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप 10 मिनट्स ले लीजिएगा स्टीम को। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जैसे ड्राई स्किन है क्योंकि आप उसमें ऑयल डाल रहे हैं ना, तो स्टीम लेंगे तो आपके फेस पर ऑयल आएगा, तो इस वजह से अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसमें ऑयल मत डालिएगा, सिर्फ स्टीम ही लेनी है आपको। तो यही सब होता है कि किस तरह से क्या करना है आपको, क्या इसमें यूज़ करना है क्या नहीं। तो जब आप किसी किसी को नहीं पता होता, हाँ कुछ बहुत से लोग जानते भी हैं लेकिन नहीं जानने वालों को, तो मुझे इन्फॉर्म करना मतलब मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुझे बताना कि हाँ आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, इस चीज़ का ये अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा मेरे वीडियो को, और फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो लोग भी कहीं जा रहे हों तो वो लोग भी ये फेशियल का यूज़ कर सके। और भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे फेशियल बताए हैं, अगर आप होममेड फेशियल करते हैं तो वो भी बताया है। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब पिगमेंटेशन है तो उसके लिए भी मैंने फेशियल बताया है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है तो ये वाला जो फेशियल बताई हूँ आज वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड्स जो लोग भी मेरे वीडियो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर का बटन होता है तो प्लीज़ उसको हिट कर दीजिएगा। हिट जैसे ही करेंगे तो बेल आइकन आएगा, तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो मेरे नया वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और ये सारी चीज़ें जो लाइक करते हैं वो भी फ्री है, और जो आप सब्सक्राइब करेंगे वो भी फ्री है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।